भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 17 मार्च को एक आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बैंक है उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है। आरबीआई का कहना है कि अब बैंक 21 मार्च 2022 से कारोबार की समाप्ति होने से बैंक के व्यवसाय को बंद कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई की तरफ से यूपी के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक लिक्विडेटर को नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह कहा है कि 14 फरवरी 2022 तक DICGC यानी के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने बैंक से जुड़े जमाकर्ताओं से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर DICGC अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल इंश्योरेंस जमा राशि में से 6.97 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इससे पहले आरबीआई की तरफ से इस साल सर्जेरो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ये तीनों बैंक महाराष्ट्र से हैं और इन सभी बैंकों को बंद करने की वजह इनकी आर्थिक स्थिति खराब होना है और इससे ग्राहकों की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। इसके चलते आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।